नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास सेवन्थ का चैप्टर सिक्स जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसका हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। थ्री नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख ली थी, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/2x³ - 10x एंड 1/5x² इस तीनों का हम लोग क्या करना, प्रोडक्ट निकालना है एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x=1। देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पहले इस तीनों का क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे LHS में और RHS में रख के। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2x³ है, इसको प्रोडक्ट करना है यहाँ पे -10x के साथ में, फिर ये 1/5x² ओके। इस तीनों का हम लोग क्या करना है, पहले प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर वाले को नंबर वाले के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए नंबर यहाँ पे क्या है, 1/2 है, तो ये 1/2 हो गया इनटू यहाँ पे क्या है -10x इनटू और यहाँ पे कितना है 1/5 इनटू। अब क्या करेंगे, वेरिएबल वाले को लिखेंगे। तो वेरिएबल में क्या है, यहाँ पर हर जगह x ही है, तो यहाँ से x³ आ गया, यहाँ से x आ गया और यहाँ से x² आ गया ओके। यहाँ से x³ लिए, यहाँ से x लिए और यहाँ से x² लिए ओके। अब यहाँ पे देखेंगे यदि कुछ कैंसिल होने वाले होंगे तो हम लोग कैंसिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स में, फिर ये 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा ओके। सॉरी यहाँ पे 10x नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर दोस्तों 10 होगा यहाँ पर ओके। देखिए 1/2 इंटू यहाँ नंबर क्या है, -10 है इंटू यहाँ पर नंबर क्या है 1/5 है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव बचा ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए बेस यदि सेम रहेगा, देखिए बेस यहाँ पे सेम है, यहाँ एक्स का पावर नहीं कुछ है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स का पावर 2 है। तो देखिए बेस यदि सेम रहेगा तो हम फॉर्मूला देखे थे पिछले वीडियो में, a^m (a^n) = क्या होता है, a^m+n होता है ओके। तो जब बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, एक्स है, एक्स है और यहाँ पर क्या है, एक्स ही है। तो बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, 3+1 (4+2) (6). ये हो गया दोस्तों इसका रिजल्ट हो गया ओके। अब हम लोग क्या करें, यहाँ वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में हम लोग क्या करें, LHS किसको रखेंगे, LHS जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया वही आपका क्या है LHS है। तो LHS हम लोगों को ये है, ये बोला LHS हम लोगों को ये है और RHS क्या है, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरीफिकेशन लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेरीफिकेशन। वेरीफिकेशन तो वेरीफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS लिखेंगे LHS, ये हो जाएगा 1/2x³ * में हो गया -10x इंटू में हो गया 1/5x² ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x=1 के लिए हम लोग क्या करना है, वेरीफाइड करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, @x=1 x=1 इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/2 हो गया, x³ है तो x की जगह हम लोग यहाँ पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1³ हो जाएगा इंटू -10 इंटू एक्स के जगह पर 1 रख देंगे प्लस 1/5 इंटू यहाँ पे x² तो ये हो जाएगा 1² हो जाएगा। क्या किए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या किए, 1 पुट किए हैं ओके। तो हो जाएगा 1/2 इंटू ये 1 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा -10 × 1 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा इंटू 1/5 इंटू ये 1 हो गया ओके। अब देखिए यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2
ये माइनस टेन इंटू वन अपॉइंट फाइव, वन से मल्टीप्लाई तो वन अपॉइंट फाइव, कैंसिल कीजिए टू फाइव जा, ये फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो वन को माइनस से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा माइनस वन, इसका क्या हो गया एल एच एस हो गया। ओके अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आर एच एस में बीस का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर एच एस। आर एच एस क्या था जो हम लोगों को सॉल्व करने के बाद आया था, तो आर एच एस कितना है माइनस एक्स टू दी पावर सिक्स है, तो यहाँ पर देखिए आर एच एस हो गया हम लोगों को माइनस एक्स टू दी पावर सिक्स। तो इसमें जो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू वन, तो रखिए ये हो जाएगा माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा सिक्स, तो माइनस तो वन का पावर सिक्स कितना हो जाएगा वन ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस क्या है दोनों क्या है इक्वल ही आया है, माइनस वन आया है, तो लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस वेरीफाइड। तो ओके तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर हम लोगों को कम्प्लीट हो गया, तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमें ये दिया गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ माइनस थ्री एक्स वाई जेड कॉमा फोर अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर जेड एंड ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू थ्री। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि एक ही वैल्यू दिया गया था यहाँ वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पर दोनों वैल्यू दिया गया एक्स और वाई दोनों दिया गया है, तो सॉल्व दोस्तों हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करना है माइनस थ्री एक्स वाई जेड इंटू ये फोर अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर जेड इंटू ये है माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू एक्स वाई स्क्वायर जेड। ओके इस तीनों को हम लोग क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें सबसे पहले नंबर वाले को नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस। देखिए यहाँ पे नंबर कितना है माइनस थ्री है इंटू यहाँ पे नंबर कितना है फोर अपॉन नाइन है इंटू यहाँ पे नंबर कितना है माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू है इंटू। अब देखिए अब एक्स वाला जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। तो एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे, इसको एक साथ लिखिए तो एक्स इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू फिर यहाँ पे एक्स हो गया। अब वाई वाला देखिए वाई यहाँ पे है, इसमें तो है ही नहीं और यहाँ पे है, ये हो जाएगा वाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब जेड वाले को नोट कीजिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे जेड है, ये हो जाएगा जेड इंटू जेड इंटू जेड हो जाएगा। ओके इतना आ गया। अब इसे आगे इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कीजिए, तो टू से ये कैंसिल हो जाएगा टू टू जब फोर हो जाएगा, फिर थ्री से इसको कैंसिल करेंगे तो थ्री थ्री या नाइन हो जाएगा, फिर थ्री से इसको कैंसिल करेंगे थ्री नाइन या एटीन हो जाएगा, थ्री नाइन या ट्वेंटी सेवन हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम साइन से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो सेम साइन से जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ बताए थे कल पिछले वीडियो में कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है रिजल्ट क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इसको रूल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन में सेम साइन का जो मल्टीप्लाई होता है क्या होता है पॉजिटिव होता है और अपोजिट साइन का क्या होता है निगेटिव होता है। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस नाइन टू या एट्टीन इंटू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स का पावर नहीं कुछ है तो वन, यहाँ एक्स का पावर टू और यहाँ पे एक्स का पावर नहीं कुछ है तो यहाँ पे वन हो जाएगा, तो बेस सेम है देख रहे हैं यहाँ पे एक्स है एक्स है तो मल्टीप्लाई में बेस ही सेम रहता है पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, एक्स का पावर हो जाएगा टू प्लस वन थ्री प्लस वन थ्री क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा इंटू यहाँ पे वाई। अब वाई का बारी आएगा देखिए बेस सेम है यहाँ पावर नहीं कुछ भी है तो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा इंटू। अब यहाँ पे जेड तो देखिए यहाँ पे जेड का पावर नहीं कुछ है यहाँ भी वन यहाँ भी वन और यहाँ भी वन, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है मल्टीप्लाई में ही है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, जेड का पावर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा देखिए कितना ये हो जाएगा 18 एक्स टू दी पावर 4 वाई क्यू एंड जेड क्यू। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया प्रोडक्ट इसका ये हो गया। अब हमें क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। देखिए आगे
देखिए अब हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन में LHS आए, तो LHS में क्या रहेगा, जो हम लोग क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिए इसको लोग क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी कर लिए, यहाँ से ये वाले को जो क्वेश्चन दिया गया था जो हम लोग कॉपी कर लिए। अब यहाँ पर हम लोगों को वेरीफिकेशन करना है फॉर x इक्वल टू वन, सॉरी x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू थ्री के लिए, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू थ्री। सो पुट करना है इसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ टू पुट करना, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या करना, थ्री पुट करना। तो रखिए इसमें ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस थ्री इंटू एक्स के जगह पे टू, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एंड x, देखिए एक मिनट, x और y का वैल्यू दिया ही गया था, साथ में z का वैल्यू दिया गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंड x का वैल्यू टू है, y का वैल्यू थ्री है, एंड z का वैल्यू कितना है, माइनस वन दिया गया, z का वैल्यू कितना है, माइनस वन दिया गया। तो यहाँ पे z का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू टू कम y इक्वल टू थ्री एंड z इक्वल टू माइनस वन, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, z का वैल्यू दिया गया था कितना, माइनस वन, पुट कीजिए तो माइनस थ्री इंटू एक्स के जगह पर कितना टू, इंटू वाई के जगह पर कितना थ्री, और जेड के जगह पर कितना माइनस वन, ओके, फिर इंटू ये फोर अपॉन नाइन इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स कितना, एक्स का वैल्यू कितना टू है, तो टू का स्क्वायर इंटू जेड यानी कि माइनस वन, ओके, फिर इंटू का साइन ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन बाई टू इंटू एक्स के जगह पे टू इंटू वाई स्क्वायर है, तो वाई का वैल्यू कितना है थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा इंटू जेड के जगह पर कितना माइनस वन, ओके। जस्ट हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया, देखिए जैसे माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू था, फिर एक्स था, तो एक्स के जगह पर टू इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब क्या, वाई का स्क्वायर, तो वाई कितना थ्री था, थ्री का स्क्वायर इंटू जेड, जेड के जगह पर माइनस वन। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सेम साइन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो थ्री टू या सिक्स, तो सिक्स थ्री जा हो गया एटीन हो गया, इंटू यहाँ पे देखिए फोर अपॉन नाइन इंटू टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर इंटू माइनस वन, ओके, इंटू ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू इंटू ये हो गया टू इंटू ये होगा नाइन, थ्री का स्क्वायर कितना नाइन हो गया इंटू माइनस वन, ओके। आगे देखिए तो हो जाए एटीन इंटू, देखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस को ये सब क्या प्लस में है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो फोर फोर या सिक्सटीन अपॉन में नाइन हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये टू से टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इंटू नाइन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये नाइन से नाइन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सारा मल्टीप्लीकेशन में ही है, यहाँ फाइनली क्या बचा एटीन इंटू माइनस सिक्सटीन इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन, तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाए एटीन इंटू माइनस सिक्सटीन इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन है, तो इसका रिजल्ट दोस्तों किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस को ये दोनों क्या है प्लस में है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इस तीनों को 18 को 16 को 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या इसका रिजल्ट आता है, तो देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई किए हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस सेवन 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 सिक्स, ये दोस्तों LHS का वैल्यू आया, ठीक है। अब यहाँ पे RHS से हम लोग आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे RHS, तो RHS क्या था, जो हम लोगों को प्रोडक्ट आया था, देखिए प्रोडक्ट हम लोग कितना आया था, यह आया था एटीन एक्स टू द पावर फोर वाई टू द पावर थ्री और जेड टू द पावर थ्री, इसको लिखिए यहाँ पे RHS में हो जाएगा एटीन एक्स टू द पावर फोर वाई टू द पावर थ्री एंड जेड टू द पावर थ्री। अब यहाँ भी पुट कीजिए एक्स इक्वल टू वन टू वाई इक्वल टू थ्री एंड जेड इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू टू कॉमा वाई इक्वल टू थ्री एंड जेड इक्वल टू माइनस वन, रखिए इसमें दोनों इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा, एटीन का तो एटीन रहेगा इंटू एक्स टू द पावर फोर, एक्स का वैल्यू कितना है टू है, ये टू का पावर फोर हो जाएगा इंटू वाई टू द पावर थ्री, वाई कितना है थ्री है, ये थ्री टू द पावर थ्री हो जाएगा इंटू जेड, जेड कितना था माइनस वन का पावर कितना थ्री। अब देखिए यहाँ पे एटीन का एटीन इंटू टू टू द पावर फोर, तो टू टू द पावर फोर कितना हो जाएगा टू इंटू टू फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन हो जाएगा इंटू थ्री टू द पावर थ्री,
तो 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27 इंटू, देखिए यहाँ पे नेगेटिव का पावर क्या है, ऑड है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि माइनस का पावर, जैसे -1 का पावर यदि ऑड रहेगा, ऑड नंबर, तो रिजल्ट किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। याद रखिएगा कि -1 का पावर यदि ऑड रहेगा तो रिजल्ट किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। जैसे कि -1 का पावर, मान लीजिए कोई पूछेगा आपको 7, 7 क्या है, ऑड है, इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। यदि -1 का पावर यदि इवन रहेगा या, तो इसका रिजल्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि -1 का पावर जैसे मान लीजिए 8 रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, +1 ही होगा। ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव का पावर यदि इवन रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का पावर यदि ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव का पावर क्या ऑड है, तो ऑड वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 7 पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव, तो आंसर किस में होगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अब 18, 16 और 27 देखिए, 18, 16 और 27 देखिए यहाँ पे, देखिए 18, 16 और 27 उसी का मल्टीप्लीकेशन ये है ना, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, -7, 7, 7 एंड 6। तो ये दोस्तों इसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। देखिए दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। यहाँ भी कितना आया था, ये आया था -7, 7, 7, 6 और यहाँ भी क्या है, -7, 7, 7, 6 आया। तो ये क्या हो गया, सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैंस वेरीफाइड। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।